वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम एक कंपटीशन करने वाले हैं जिसमें कि मैक्सिमम पुशअप जो परफॉर्म करेगा उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वैसे प्राइज मनी तो इसलिए रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। तो इसमें हम चलते हैं रेसलर्स जिम में जो कि इलाहाबाद में है और वहाँ चेक करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा फिट है। उसमें मैं अपनी फिटनेस भी ट्राई कर लूँगा, ठीक है? तो आइए चलते हैं। हे गाइज, वेलकम वंस अगेन बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए रेसलर्स जिम पे और आज हम सबसे पहले आपको मिलाने जा रहे हैं रेसलर जिम के ओनर संजू। हाँ संजू भाई, तो ये आपने संजू भाई हैं। हेलो गाइज, संजू भाई जो है आज इनके जिम में जितने भी एथलीट्स हैं इनके जिम पे थोड़ा सा दिखाइए, वीडियो दिखाइए। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? तो आज हम लोगों का जो चैलेंज है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। यहाँ पे फिटनेस टेस्ट हो रहा है कि सबसे ज़्यादा पुशअप कौन कर सकता है और आप भी ट्राई करिएगा अपने घर पे, हो सकता है कि आप बेटर परफॉर्म कर सके। पर यहाँ पे तो जो आए हुए हैं सबको लगता है कि सब बेटर ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैलेंज को। तो ये अपने सुनील भाई हैं, ये स्टार्ट करने वाले हैं शो को। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा, 42 पुशअप 30 सेकंड में। तो ये तो बहुत ही टफ चैलेंज होने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट एथलीट कौन इस चैलेंज को हरा पाता है, देखते हैं। ठीक है, हमारे नेक्स्ट एथलीट है शांतनु त्रिपाठी। शांतनु त्रिपाठी जी का कहना है कि ये 42 से ज्यादा करेंगे और अपना पूरा 100% देंगे। स्टार्ट करते हैं हम। पुशअप्स बहुत बढ़िया अटेम्प्ट दिया लड़के ने, बहुत जबरदस्त, दिल खुश हो गया। अभी जाइएगा नहीं, अभी और भी एथलीट्स हैं जो कि और अच्छा करना दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एथलीट से। भारतीय का कहना है कि ये 42 पुशअप को बीट कर सकते हैं और जरूर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो गाइस अब हमारे सामने आ गए ऋतिक भारतीय, ये भी वन ऑफ द बेस्ट एथलीट है जिम के। तो ये भी ट्राई करना चाहते हैं, ये कहते हैं कि 42 से बेटर करना चाहेंगे और नहीं तो अपना बेस्ट तो देना ही चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तीन बोलूंगा, स्टार्ट कर देना, ठीक है? 1 2 3 47 इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अरे आ जाओ यार, लौटे ने बाजी मार दिया भाई। 47 ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो देख के लगता है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहीं पे हो जाएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड जहाँ तक मैं जानता हूँ 30 सेकंड में 51 पुशअप्स है, तो बहुत ज़्यादा होगा 52-53 ऐसे होगा 30 सेकंड में। लेकिन अगर यहाँ के बंदे 47 पुशअप्स मार रहे हैं, अभी हमारा थर्ड कंटेंडर है, तो आप खुद सोचिए कि कितना जील है इनके अंदर। और अब हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट कंटेंडर की तरफ। तो इन
का नाम मिला है, और जैसा कि मुझे फीडबैक मिला है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है 51 पुशअप का 30 सेकंड में, वो मुझे लगता है टूट जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, विनय क्या करते हैं। और विनय का खुद भी कहना है कि मैं 51 पुशअप मार दूंगा इस बार, वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं क्रिएट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, Stop. Still it was a very good attempt and I think it was one of the best attempt. 44 push-up, I think it is the second best one, so he deserves a big round of applause. Very nice. 44 push-up. तो यहाँ पे एथलीट्स का जील खत्म नहीं हो रहा है, और अच्छा पुशअप, हमको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 47 पुशअप अभी तक जा चुका है, और अब देखते हैं नेक्स्ट एथलीट कौन आते हैं और कितना पुशअप मार के दिखाते हैं। चलो भाई, तो अब हमारे पास यश भाई हैं, और जो शूटिंग कर रहे हैं वो भी यश हैं, और जो शूट हो रहे हैं वो भी यश हैं, कोइंसिडेंटली। तो अब देखते हैं यश भाई क्या करके दिखाते हैं, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। It is 49 push-up. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म का प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग लास्ट में वीडियो देख के फिर हम लोग जज करेंगे कि 49 पुशअप इसको लेंगे या 47 को लेंगे। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ये भी एक अच्छा परफॉर्मेंस था, सो ही डिजर्व द बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेरी नाइस, एक भाई तालियां दे दो यार जो वीडियो पर। तो गाइज, ये आदिल, ये हमारे छोटे भाई भी हैं, इनका फिटनेस चैनल चलता है, और इन्होंने 2-3 महीने के अंदर बहुत कुछ अचीव किया है। और अगर आपको फिटनेस की थोड़ी भी ट्रेनिंग लेनी है, तो ये बहुत अच्छे से अपना चैनल चलाते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा कि इनका चैनल क्या है। और आज देखते हैं कि आदिल यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इनका फिटनेस लेवल कहाँ पहुँचता है, एंड लेट्स सी। अगर वो वीडियो देखने के बाद देखते हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। 49, 48 और 47, ये तीनों अभी हमारे जो है वो वीडियो देख के आएंगे। स्टिल ओवरऑल अ वेरी नाइस परफॉर्मेंस। शुक्ला, अंकुश शुक्ला कहते हैं कि ये 49 पुशअप के ऊपर जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं अंकुश शुक्ला, ठीक है? तीन बोले पे स्टार्ट करना है, पूरा ऊपर ले जाइएगा बॉडी को, है ना? ज़्यादा सोचना नहीं, जितना हो मैक्सिमम मारो।
वन टू थ्री मुझे लगता है 45 है, भाई को लगता है 47 है, वीडियो में देखते हैं कितना हुआ है और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेडानो का तो नाम सुना ही होगा आपने, फ्रैंक मेडानो जो है ना, अपने कैलिस्थेनिक स्किल्स से लोगों को इम्प्रेस करते हैं, तो ये भी मिनी फ्रैंक मेडानो है। तो आज देखते हैं कि इनका आज पुशअप कितना जाता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। स्टार्ट कर देना, सही हो रहा है गलत हो रहा है मत पूछना, जितना हो जाए उतना करना और जितने लोग हैं सब तुम्हें चीयर करना है, तो मैक्सिमम करके ही उठना, ठीक है, यही सोच के करो। वन टू बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे आके इतने एथलीट्स के सामने आके और आप परफॉर्म करते हैं, ये अपने में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। बंदे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्या नाम है आपका? गुरवेंद्र सिंह। गुरवेंद्र सिंह जी ने अपना अपने आप को प्रूफ कर दिया कि ये फ्रैंक मेडानो से कम नहीं है। ये अर्पित भाई हैं, अब ये कहते हैं कि ये भी फ्रैंक मेडानो की तरह ही परफॉर्म करेंगे। क्या कहते हो अर्पित भाई? हाँ भैया, जितना होगा उतना करूँगा। वेरी नाइस। और इस स्पिरिट के साथ इनका ये कहना है कि भाई ये नेक्स्ट टाइम अपने आप को हराएंगे, भले इस बार किसी को हरा पाए चाहे ना हरा पाए। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं, देखने वाला था। भाई मार दे। चलो तीन पे है ना, वन टू थ्री। तो बहुत ही ज़बरदस्त अर्पित का बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा। मैं इतना ही, मुझे तो जील लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे खुद भी करना चाहिए, लेकिन अभी आई एम नॉट द पार्टिसिपेंट इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट कंटेंडर कौन है। तो अब आए हैं शुभम और ये है लास्ट कंटेंडर, और देखते हैं शुभम क्या करते हैं। चले शुभम, वन टू थ्री, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह चल अठारह बीस चौबीस
सवाल है? 27 स्टॉप वेरी नाइस टू गुड टू गुड गाइस इतना ही करना देखो भाई बहुत टफ नहीं है, मुझे लगता है 32 पुशअप इज नॉट अ ग्रेट डील, आप चाहो तो उसको बीट कर सकते हो। अंदर कौन है? 1 2 3 बहुत टाइम है 29 30 31 32। एक और ले। हमारे पास दो फाइनलिस्ट हैं, एक फाइनलिस्ट आए हुए हैं जो कि नए चैलेंजर थे और एक फाइनलिस्ट जो पुराने वाले हैं। 32 को बीट करना है और 35 को बीट करना है, देखते हैं कौन करते हैं और इसमें जॉइंट जो है विनर्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। एकदम चेस्ट चेस्ट 23 24 25 26 27 28 29। आपने बीच में कुछ पुशअप गड़बड़ हो गए। मैंने रोक दिया ना भाई। 1 2 3 32। हमारे दो कंबाइंड विनर्स आए हैं और ये अंकुर शुक्ला, इनका नाम अंकुर शुक्ला है और आपका नाम शांतनु त्रिपाठी। ये शांतनु त्रिपाठी जी हैं, तो इन्होंने 32 पुशअप मारे हैं 5 राउंड के बाद, ठीक है? तो ये हमारे विनर है।
कंबाइंड विनर है, ठीक है। वैसे तो खेल में हार जीत लगा रहता है और हमें अपना हमेशा बेस्ट देना चाहिए, और हम अगर अपने को ही हरा दें तो उससे बड़ी जीत कोई नहीं हो सकती है। तो अब हमारे नेक्स्ट कंटेंडर, जो कि 3 राउंड में जिन्होंने प्राइस को जीता है, हम उनको बुलाना चाहेंगे। मैं 5 राउंड में किया था, इन्होंने 3 राउंड में किया, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। 37 पुशअप हुए हैं विद प्रॉपर फॉर्म। तो दोस्तों, ये आपके पास कंपटीशन में जितने भी लोगों ने पुशअप किया है, अगर आपको लगता है कि परफॉर्मेंस में किसी की कोई गड़बड़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, हम उसको फिर से चेक करेंगे। और अभी के लिए हमारे, अपना नाम बताइए। विनय कुमार। अभिनव कुमार जी विनर हैं अपने 3 राउंड वाले।